अरे तुम यहाँ बैठी हो, क्या बात है, थकान हो रही है क्या? मम्मी प्लीज एक कप चाय भिजवा दें, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। चाय के साथ गोली भिजवा दूँ? हाँ आप गोली भी भिजवा दें, सर दर्द से फटा जा रहा है पता नहीं क्यों। तुमने खाना भी नहीं खाया? मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम्हें डॉक्टर के पास तो नहीं जाना? तुम्हारे अब्बू से कहूँ? नहीं नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप बस गोली भिजवा दें और चाय भिजवा दें, चाय की बहुत तलब हो रही है। ठीक है मैं चाय और गोली भिजवाती हूँ, लेकिन तुम खाली पेट नहीं सोना, दूध पी के ही सोना। अच्छा किसी को भिजवाऊँ तुम्हारे पास? अरे नहीं अम्मी मैं बस आराम करूंगी, आप दरवाजा बंद कर दें। तुम्हें ना देख के तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। अम्मी प्लीज आप इतनी छोटी छोटी बातों को अपने सर पे सवार मत किया करें, मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी आज बहुत प्यारी लग रही है, आराम करो। तबीयत अचानक खराब हो गई सर, कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था, मुझे लग रहा है कोई वायरल है जो एक्टिव हो गया है। घर के कमरे में गिरकर बेहोश हो गया था, फिर यहाँ पर अस्पताल में लाना पड़ा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अभी एग्जामिन कर रहे हैं। फरहान भाई प्लीज आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें। हाँ हाँ जाहिद भाई क्यों नहीं, इंशाल्लाह खुदा पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, मायूस मत हो। बेशक अल्लाह ही सेहत और जिंदगी अता करने वाला है, और इंशाल्लाह काशिफ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह नहीं भाई, डॉक्टर साहब तुम फिक्र नहीं करो, मैं देखता हूँ काशिफ ठीक तो हो जाएगा ना। भाभी आप दुआ कीजिए, शिफा देना अल्लाह के हाथ में। बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा। सकिया तुम पहली इतनी सारी परेशानी में मुब्तिला हो, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। अच्छा नाराज मत हो, और बात सुनो घर में किसी को बताना नहीं इस बात का। अभी तबीयत कैसी है? खून की कमी हो गई है, वायरल अटैक है, इमरजेंसी में रखा हुआ है, जैसे ही कोई अपडेट होता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बेटी के ससुराल का मामला है, मुझे भी वहाँ पे होना चाहिए था, आप मुझे भी साथ ले चलते ना। साहिद भाई और फायजा भाभी क्या सोच रहे होंगे? जकिया उन्हें भी अंदाजा है इस बात का कि घर में मायू मेहंदी की तकलीफ चल रही थी। अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कांधे पे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, चूचू शादी का वक्त करीब आ रहा है। अल्लाह करम करेगा जकिया, अल्लाह करम करेगा, खुदा पे यकीन रखो। बात सुनो इस बात का किसी से घर में जिक्र मत करना। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी रजिया फूफा बुला रही है।
हैं? हाँ आ रही हूँ। पप्पो आज कितना मजा आया ना। अरे उसका डांस देखा था। तौबा तौबा। आयान बेटा आओ बैठो मेरे पास। क्या हुआ अभी? हम कुछ नहीं, वो बिस्तर में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी को चाय का कहा था। आपको चाय नहीं मिली? मैं अभी बना के लाती हूँ। बेटा रात को टाइम पर सो जाया करो और सुबह जल्दी उठा करो। अब तुम ससुराल जा रही हो ना, वहां रात देर तक जागना और सुबह जल्दी उठना। वैसे भी जल्दी सोना और जल्दी उठना बहुत अच्छी आदत है, इससे इंसान फ्रेश और तंदुरुस्त रहता है। आजकल के बच्चे तो सारी रात मोबाइल में लगे रहते हैं। आदिल को ही देख लो, ऑफिस से आने के बाद सर झुकाकर मोबाइल में ही लगा रहता है। हमारे जमाने में तो मुंह अंधेरे उठने का रिवाज था, मगर आजकल के लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया, सारी रात टीवी के आगे बैठे रहते और सुबह देर तक सोते रहते हैं। अरे भाई मैं तो कहती हूँ कि एक मर्तबा ड्रामा देख लिया बस देख लिया, अब सो जाओ। अरे आदिल से कहा भी था कि पट्टी इतनी गंदी हो रही है, डॉक्टर से चेंज करवा दे, इतनी जलन हो रही है इसमें। अयान बेटा ये जकिया कहाँ चली गई? और फरहान और नईम भी नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए तुम्हें बताए? अयान जी पप्पो मुझे नहीं पता। अरे कहाँ खोई भी हो, क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रही हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे ससुराल में से कोई मायों में नहीं आया? मैं तो इंतजार ही करती रह गई। काशिफ से तो तुम्हारी बात होती होगी ना, क्या वजह थी, पूछा उसे? नहीं पप्पो मेरी काशिफ से बात नहीं हुई। हैं? तुम काशिफ से बात नहीं करती? करती हूँ लेकिन सिर्फ काम की बात करती हूँ। अरे इससे ज्यादा काम की और क्या बात होगी, पूछ तो लेती हूँ उनसे, कहीं ऐसा ना हो उन्हें कोई बात बुरी लग गई हो। और वैसे भी शादी से पहले हर बात क्लियर होनी चाहिए, जकिया ने उन्हें बुलाया भी था, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी होने वाली सास मुंह बनाकर बैठी हो कि हमें तो पूछा ही नहीं। नहीं पप्पो मेरी सास बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। अरे रहने दो, ये जो सास होती है ना हमेशा सास ही रहती है, माँ वाली बात नहीं आती इनमें, और आएगी भी कैसे। ये जो आजकल की बहुएं होती है ना, तौबा तौबा अल्लाह माफ करे। अरे बेटा मैं तुम्हें नहीं कह रही, मेरी बातों को गलत नहीं लेना। कोई बात नहीं पप्पो, आप मेरी बड़ी हैं और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानती। जीती रहे मेरी बच्ची। ये ले आपकी चाय। अरे बेटा ये जकिया कहाँ है? अम्मी किचन में। अरे उससे पूछो कि फरहान कहाँ रह गया, इतनी रात हो गई अभी तक नहीं आया, अगर कोई काम था तो सवेरे कर लेता। अम्मी अभी आ रही है, आप खुद पूछ लीजिएगा। अरे लड़की क्या चाय को पानी कर दोगी? मैं तो कहती हूँ गरम गरम पी लो, सर का दर्द बंद हो जाएगा। बल्कि तुम ऐसा करो तेल से सर पे मालिश करवा लो, सारा दर्द भाग जाएगा। जी आयान आपी पप्पो बिल्कुल ठीक कह रही है, पप्पो के बाल ऐसे इतने लंबे और घने थोड़ी है। अरे बेटा आप कहाँ, जवानी में तो लोग हैरत ज्यादा रह जाते थे क्योंकि अम्मी जान बाकायदगी से सर में तेल डलवाती थी। लाओ बेटा मैं तुम्हारे सर में तेल डाल दूं। नहीं पप्पो प्लीज अभी नहीं। तुम चाय तो पी लो। एक दिन तुम भी माइयों बैठोगे। बहुत जल्दी है तुम्हें। जल्दी तो नहीं है लेकिन वो वक्त भी तो आना ही है। बातें कम और काम ज्यादा, अभी पप्पो आ जाएंगे ना तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। यार तुम मुझे हमेशा अम्मी का नाम लेके डराती क्यों रहती हो? डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। अच्छा बता रही हो। आदिल क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा। आदिल
आदिल को पीछे से गुजरा अभी। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा तीसरा कोई नहीं। आदिल कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। आदिल कोई था पीछे। आदिल जी मोमानियान मैं आया। रमीज काशिफ की तबीयत कैसी है? खून की कमी से प्लेटलेट्स कम हो गए, ब्लड अरेंज हो गया है। परेशानी की कोई बात नहीं है, जैसे प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू होंगे उसकी तबीयत मजीद बेहतर हो जाएगी। शुक्र है खुदा का। खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं अपने बेटे से मिलने जा सकती हूँ? श्योर, लेकिन बात मत कीजिएगा, वो भी हुनूदगी में। चलो मैं भी चलता हूँ। काशिफ कब तक कर जा सकता है? मेरे ख्याल में कल शाम तक या फिर परसों तक। लेकिन डॉक्टर साहब परसों तो मेहंदी है। इंशाल्लाह मेहंदी तक काफी बेहतर हो जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब मेरा एक मशवरा था कि जाहिद भाई को रूहानी इलाज भी करवा लेना चाहिए। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई ये डॉक्टर जो ना इन बातों पर यकीन नहीं रखते। तुम जाहिद भाई से बात करना। तुम्हारे घर में वजीफा कर रहा था, पूरा नहीं हो सका। फिर परेशान मत हो, अभी घर जाऊंगा ना, फिर वजीफा कर लूंगा। बस ये मुल्ताना वाले बाबा आ जाएं, फिर उनको लेकर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ऐसे एक बात बताए नहीं भाई कि अयान की क्या कुछ साया है? सिम्टम्स तो यही बता रहे हैं। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या बात है भवानी जान, सब खैरियत तो है? काशिफ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। काशिफ, काशिफ को क्या हुआ? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम अभी किसी से मत कहना जब तक फरहान और नईम भाई नहीं आ जाते। कोई सीरियस बात तो नहीं? मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, मैं मामू जान को कॉल करके पूछ लेता हूँ, आप भी फिक्र मत। हाँ तुम उनको फोन कर लो, लेकिन यहाँ नहीं बाहर जाके करना, और उनसे पूछो कि क्या बात है, मुझे क्यों नहीं बता रहे। मेरा दिल रह रह के हौल रहा है। आप परेशान ना हो, मैं पूछता हूँ उनसे। मम्मी तुमको क्या हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें किससे डर लग रहा है मुझे बताओ। जब आदिल में उस कमरे से सामान निकाल रहे थे तो ऐसा लगा कि कोई वहाँ मौजूद था। अपने ऊपर आयतल कुर्सी और दरूद शरीफ पढ़ के दम कर लिया करो, कुछ नहीं होगा। मम्मी क्या वाकई इस घर में कुछ है? अरे नहीं मेरा बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्यों डर रही हो? जी डॉक्टर साहब। घबराने की कोई बात नहीं, काशिफ इज आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर साहब लेकिन काशिफ को आखिर हुआ क्या है? यूं अचानक प्लेटलेट्स कम हो जाना और वो भी इतनी तेजी से? हो जाता है, अचानक नहीं हुआ, कुछ दिनों से हो रहा होगा, काशिफ ने सीरियस नहीं लिया। तो अब काशिफ को कब शिफ्ट करेंगे वार्ड से? इंशाल्लाह कल सुबह शिफ्ट कर देंगे, लेकिन आज वो आईसीयू में ही रहेगा, उसे मॉनिटर किया जा रहा है। अच्छा, ब्लड वगैरह की अरेंजमेंट की तो ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब? ज़रूरत नहीं है, ब्लड बैंक में बात हो गई है। हम लोगों के तो हाथ पाँव ही फूल गए थे। अच्छा हुआ आप टाइम पे ले आए, काशिफ रिकवर कर रहा है। उसे कब तक होश आ जाएगा? किसी भी वक्त आ सकता है, जैसे ही प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू होंगे होश आ जाता है। एंटीबायोटिक्स भी दी जा रही हैं, और सुबह डॉक्टर रमीज भी आ जाएंगे, उनसे भी मशवरा हो जाएगा। अब आप लोग घर जाएँ, आराम करें और सुबह आएँ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं ही रहूंगी। यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है डॉक्टर साहब, जो कह रहे हैं वो ठीक है, हम लोग घर चले जाते हैं और सुबह जल्दी आ जाएंगे। रुकने का कोई फायदा नहीं, काशिफ खैरियत से है, इंतहाई निगहदाश्त में है, यहाँ उसकी टेक केयर के लिए डॉक्टर्स हैं, स्टाफ मौजूद है।
परेशानी की कोई बात नहीं। देखो डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, घर पे चलकर आराम कर लो, सुबह हम लोग जल्दी आ जाएंगे। मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा और अपने सामने काशिप को वार्ड में शिफ्ट कर दूंगा। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, इट्स माय ड्यूटी। प्लीज साहब बैठे भी क्यों हो, जाओ जाके आराम कर लो, सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे काशिफ की फिक्र हो रही है। काशिफ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैंने डॉक्टर अमीज से पूछा और उन्होंने बताया कि सुबह तक उसे डिस्चार्ज कर देंगे। आप तबीयत कैसी काशिफ बाबा की? अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है। सुनो तुम कुछ कह रहे थे। अब तुम कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो, तुम जाओ। जी जी रुको प्लीज साहिद, मुझे बात तो करने दे। काशिफ ठीक है, अब कोई दूसरी बात करने की जरूरत नहीं है। आप चुप रहें, ये मेरे बेटे का मामला है, आप जानते हैं ना कि हमारा एक ही बेटा है और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। फायजा क्यों बेवकूफों वाली बातें कर रही हो, मैंने कहा ना डॉक्टर अमीज ने बताया है कि उसकी हालत खतरे से बाहर है। प्लीज अब आगे बात ना करें। ठीक है। मुराद तुम कुछ आसे वगैरह की जिक्र कर रहे थे। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था बेगम। ऐसे नहीं कहा था तुमने। देखो डरो नहीं, जो बात है मुझे बताओ। मेरे चाचा के बेटे के साथ भी ऐसी सूरत हाल हुई थी, हमने बहुत से डॉक्टरों को केमो दिखाया था पर कहीं से फायदा नहीं होता। फिर हमारे एक रिश्तेदार ने बताया एक आदमी का, उसके पास ले गया, उसने दम दुरुस्त किया, तबीयत ठीक होने लग गई उसकी। अब वो कैसा है? माशाल्लाह अब तो बहुत बेहतर है, गांव में फिट है। वो आदमी कौन था जिसने तुम्हें चचा के बेटे का इलाज किया था? जी वो तो फिरदौस कॉलोनी में रहता है, अल्लाह वाला बंदा है, सुना है जिन और भूत का बड़ा माहिर है। मैं अब जाऊँ? ठहरो एक काम करो। जी तुम अभी उनके पास जाओ। अभी? हाँ ये रखो और अभी जाओ। ठीक है बेगम साहब। घबरावे क्यों हो तुम? वहां कौन है? वहां छत पे कुछ नहीं,
बिल्ली थी। बिल्ली थी? ओफो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा ये बताओ, फरहान को फोन किया तुमने? जी, उनका फोन बंद है। फोन बंद है, चलो मैं खुद ट्राई करती हूँ। आ जाओ तुम लोग। तुमने क्या देखा? अरे कुछ नहीं, बिल्ली थी यार। झूठ मत बोलो आदिल, तुम्हारी शक्ल देखकर पता चल रहा है कि तुम कितने डरे हुए हो। मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? झूठ नहीं बोल रहे हो तो सच भी तो नहीं बता रहे हो ना? मिंसा मिंसा, मेरी बात सुनो। जब मैं खुद एक चीज को लेके श्योर नहीं हूँ तो क्यों तुम्हें बताकर मैं और खौफजदा कर दूँ? इसका मतलब छत पे कोई था? ओ गॉड, क्या हो गया तुम्हें? तुम कब से इतनी जिद्दी हो गई हो? जब से इस घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है घर में, और हो सकता है जो कुछ हम देख रहे हैं वो बहुत ही कोई मामूली सी चीज हो। आंखों देखा झूठ हो सकता है, लेकिन खौफ जो मुसलसल हम पे हावी हो रहा है उसका क्या करें? खौफ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और खौफ पर हमें खुद काबू पाना है। चलो। हाँ ज़किया, काशिफ की तबीयत अब ख़तरे से बाहर है। फायज़ा भाभी और जाहिद भाई घर चले गए, डॉक्टर ने कहा कि सुबह रूम में शिफ्ट कर देंगे। हाँ, टेस्ट हो गए, प्लेटलेट्स कम आए, अब सुबह रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा कि डेंगू है या नहीं। अच्छा बात सुनो, तुमने किसी को बताया तो नहीं है? चलो ठीक है, मैं घर आके तुमसे तफसील से बात करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चले अपना नीम भाई। हैं?